सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉरेन की। एसक्यूएल के अंदर हम किस तरीके से फॉरेन की को अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। फॉरेन की एक की है जो दो टेबलों के बीच आपस में लिंक करता है और वो चेक करता है कि दोनों रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट रखते हैं टेबल के अंदर या नहीं। इसका मतलब कि हमने अगर एक टेबल पर कुछ वैल्यूज़ पास करा रखे हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो दूसरी टेबल में जब रिकॉर्ड हम अपडेट करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्रॉस चेक होगा कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट रखता है या नहीं। अगर रिकॉर्ड है जो सेम मैच करता है पहली टेबल से तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट या इंसर्ट होगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा या इंसर्ट नहीं होगा, बिकॉज हमने वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फॉरेन की। तो फॉरेन की बेसिकली दो टेबलों में पर्टिकुलर फील्ड पर एक वैलिडेशन का हम अप्लाई करते हैं कि फॉरेन की। लेकिन फॉरेन की के लिए बेसिकली हमारे जो दोनों टेबल के कॉलम वैल्यू है उसको हमें सबसे पहले प्राइमरी की देना पड़ेगा। प्राइमरी की देने के बाद ही हम उस पर फॉरेन की को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रूल है कि आप फॉरेन की अगर अप्लाई कर रहे हैं कॉलम्स पर तो वो प्राइमरी की होना चाहिए और टेबल के जो कॉलम्स का जो नाम है वो सेकेंड टेबल के कॉलम्स के नाम से भी मैच होना चाहिए, तभी यहाँ पर हम फॉरेन की को अप्लाई कर सकते हैं। एक टेबल के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक टेबल लिया वर्कर टेबल, जिसमें हमने तीन फील्ड्स का इस्तेमाल करा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन। तो एम्प्लॉय आईडी हमने लिया 1011, नेम लिया है उसका पीयूष, डेजिग्नेशन एडमिन। इसी तरीके से और भी हमने तीन रिकॉर्ड्स डाले हैं, लेकिन जब हम सेकंड टेबल की बात करें जिस टेबल का नाम है टेबल जो वर्कर सैलरी, तो वर्कर सैलरी नाम की जो टेबल है उसमें यहाँ पर जो सेकंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सिटी के बाद सैलरी, सैलरी के बाद एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में जो हमें फीड करना होगा, जो यहाँ पर शो हो रहा है ब्लैंक, यहाँ पर हमें पर्टिकुलर इन पहली कॉलम से ही कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ जो दूसरी टेबल में एम्प्लॉय आईडी है वो दोनों पर हमने प्राइमरी की अप्लाई कर रखी है और प्राइमरी की के बाद हमने फॉरेन की अप्लाई कर रखी है। इसका मतलब वो क्रॉस चेक करेगा कि वो रिकॉर्ड्स ही हम डाल रहे हैं दूसरी टेबल में या नहीं। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रिकॉर्ड नहीं डालेंगे तो यहाँ पर टेबल रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाएगा और हमारा एरर शो करेगा फॉरेन की का, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखी है कि हमारा जो रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट होगा सेकंड टेबल में वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेबल होगा। तो इसको क्वेरी के जरिए हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एसक्यूएल में हम पहले टेबल बना लेते हैं एक वर्कर की, जिसमें सेम हम चार रिकॉर्ड इंसर्ट करा देते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी है वर्कर की, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी, नेम और डेजिग्नेशन लिया है। एसक्यूएल सर्वर की विंडो का थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं। टूल्स के अंदर जाकर जैसे ही हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट्स एंड कलर्स के अंदर हम इसका साइज़ दे सकते हैं। जैसे सपोज़ हम यहाँ से 20 साइज़ दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक टेबल बनाई है वर्कर नाम की, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक में, नेम कैरेक्टर में और डेजिग्नेशन भी कैरेक्टर में पास कराया। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम इस पे वो चार रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, उसकी क्वेरी लिखते हैं। यहाँ पे हमने चार रिकॉर्ड्स की क्वेरी डाल दी है और इस क्वेरी को हम सिलेक्शन करने के बाद एग्जीक्यूट जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे चार रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं। बट हमने यहाँ पर अभी प्राइमरी की इस पे अप्लाई नहीं करी है एम्प्लॉय आईडी पे, तो हम चाहते हैं तो उसको बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ही इंसर्ट है, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे टेबल पर प्राइमरी की अप्लाई करें एम्प्लॉय आईडी पे, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी है ऑल्टर टेबल वर्कर एड कॉन्स्टेंट पीकेई अंडरस्कोर आईडी और प्राइमरी की हमने अप्लाई करी है एम्प्लॉय आईडी पर। जैसे ही हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट और ननेबल, यानी कि हमने अपने जो कॉलम को नल वैल्यू पहले अप्लाई नहीं करी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसको नल वैल्यू अप्लाई कर देंगे। उसके लिए भी हम एक क्वेरी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी ऑल्टर टेबल वर्कर और ऑल्टर कॉलम एम्प्लॉय आईडी।
जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू थी उस पर हमने पास कर दिया नॉट नल, यानी कि हमने कॉलम की जो फील्ड्स है उस पर नॉट नल को अप्लाई कर दिया है एग्जीक्यूट करने के बाद। और फिर से हम ऊपर वाली जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट जैसे ही करेंगे तो हमारा यहाँ पर प्राइमरी की अप्लाई हो चुकी है। उसके लिए हम देखेंगे डाटाबेस में सिस्टम डाटाबेस मास्टर के अंदर टेबल और जो हमने यहाँ पर बनाया था वर्कर में कॉलम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी पर प्राइमरी की अप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड टेबल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिख देते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है वर्कर सेल की जिसमें हमने सिटी का इस्तेमाल करा है कैरेक्टर में, सैलरी ली है न्यूमेरिक में और यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी जो कि हमारी पहले कॉलम में भी थी, पहली टेबल के कॉलम में भी थी, यहाँ पर हमने उसका न्यूमेरिक लेने के बाद डायरेक्टली उसको प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है। यानी कि अब हमें बाद में ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम उसको नॉट नल से ऑल्टरेशन करेंगे फिर ना प्राइमरी की का डिफाइन करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली ही वो हम प्राइमरी की बना रहे हैं जो हमारी सेकेंड कॉलम है, सेकेंड टेबल है, उसमें हम सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही टेबल को एग्जीक्यूट कराएंगे क्वेरी को तो यहाँ पर हमारी एक टेबल बन चुकी है। इसको हम टेबल पर सबसे पहले राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर जब हम वर्कर सैलरी के कॉलम्स को देखेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है और वर्कर में भी हमारे एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है जो कि दोनों टेबल में सेम फील्ड्स हैं। तो अब हम यहाँ पर प्राइमरी की लगाते हैं और प्राइमरी की के बाद हम जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे कि अगर हम पहली टेबल से ही मैच वाला एम्प्लॉय आईडी डालते हैं तो रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पर फॉरेन की एक एरर आ जाएगी जो हम फॉरेन की अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने क्वेरी लिखी है ऑल्टर टेबल वर्कर, यानी कि जो हमारी पहली टेबल थी उसमें हम ऐड कर रहे हैं अपनी फॉरेन की और एम्प्लॉय आईडी फील्ड पर हम अप्लाई करना चाहते हैं जो कि रेफरेंस ले दूसरी जो हमारी टेबल है वर्कर सेल नाम की उसके एम्प्लॉय आईडी ही कॉलम पर। तो यहाँ पर अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने पे एक एरर आ रही है कि फॉरेन की एफ के डाटाबेस में अप्लाई नहीं है तो वर्कर सैलरी। तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे एरर का रीज़न ये है कि हमने ऑलरेडी पहले से ही डाटाबेस में रिकॉर्ड डाल दिया था तो सबसे पहले हमको इस पे प्राइमरी की के बाद फॉरेन की अप्लाई करना था, उसके बाद ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाल सकते थे। तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, डाटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, डिलीट फ्रॉम वर्कर, उसके बाद हम इसे सिलेक्शन कराएंगे और इस क्वेरी को रन कराएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारी कमांड जो है कम्प्लीटेड हो जाती है सक्सेसफुली, यानी कि हमारी जो फॉरेन की है वो अप्लाई हो चुकी है। उसके लिए हम पहले रिफ्रेश करेंगे अपने डाटाबेस की टेबल को, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। जैसे ही हम यहाँ पे की देखेंगे तो हमारी यहाँ पे फॉरेन की जो है ऐड हो चुकी है, यानी कि अब हम जो रिकॉर्ड डालेंगे वो मैच होने चाहिए दूसरी टेबल की एम्प्लॉय आईडी से। तो यहाँ पर हम एक क्वेरी टाइप करते हैं इंसर्ट इनटू जो हमारी टेबल का नाम है वर्कर सेल, उसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं क्योंकि पहले हम इस पे वैल्यूज़ डालेंगे उसी के बाद ही हम अपनी वर्कर टेबल पे वैल्यू डाल सकते हैं बिकॉज उस पे हमने फॉरेन की अप्लाई करी हुई है। तो यानी कि अगर पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड डालेंगे उसी के बाद ही उसकी एम्प्लॉय आईडी से मैच करता हुआ रिकॉर्ड ही हम उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर वर्कर सेल में कॉलम दिया था वो था सिटी, तो हम यहाँ पर सिटी दे देते हैं NCR, उसके बाद कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं उसका यहाँ पर सैलरी और फिर हम यहाँ पे उसका एम्प्लॉय आईडी 1011। यानी कि एक डाटा हम इस टेबल में डाल रहे हैं वर्कर सेल में, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नीचे हमारा मैसेज आ रहा है वन रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो हम अपडेट कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सपोज़ हम सेकेंड रो डाल रहे हैं 1012, लेकिन हमारा अभी रिकॉर्ड कौन सा डाला गया है, सिर्फ 1011, लेकिन अगर हम ये रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पर हमारा एक एरर शो हो रहा है फॉरेन की का, बिकॉज अभी तक हमने जो संदीप नाम के कैंडिडेट की यहाँ पर एंट्री नहीं डाली है वर्कर सेल में। तो अगर हम सिर्फ पहले ही रो को सिलेक्ट करते हैं 1011
और एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर हमारी वन रो अफेक्टेड हो चुकी है बिकॉज हम उसका रिकॉर्ड डाल चुके हैं। एक और हम यहाँ पर रिकॉर्ड डाल देते हैं, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड में 1013 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैलरी चेंज कर देते हैं और सिटी। अगर हम ये रिकॉर्ड डाल देते हैं इसके बाद, तो यहाँ पर डाटाबेस में एक और 1013 का एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो चुका है। फिर से अगर हम यहाँ पर जैसे फोर्थ को मंजीत नाम के कैंडिडेट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे फिर से एरर आएगा बिकॉज़ ये एम्प्लॉय आईडी अभी एग्जिस्ट नहीं रखती दूसरी टेबल में। 1013 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं अभी अभी। अगर हम इसी रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वन रो इफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाई देगा जो वर्कर सेल में हम सबसे पहले डालेंगे। हम इसको क्वेरी एग्जीक्यूट के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कितने रिकॉर्ड अभी तक डाले हैं, 2 रिकॉर्ड। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरे में देखें तो वहाँ पर भी सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड होंगे जो हमने वर्कर सेल में पहले डाल चुके। तो यहाँ पर दोनों को हम एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो वर्कर सेल में रिकॉर्ड डालेंगे वही रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय आईडी का हम डाल सकते हैं वर्कर टेबल में। तो ये था फॉरेन की और आप इसको इजीली कर सकते हैं एसक्यूएल में।